हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थर्माकोल की बॉल से ये बॉटनेक बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने बुकरम ली है। बुकरम की जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने 11.5 इंच ली है, 11.5। और उसके बाद जो हमने इसकी लंबाई ली है वो हमने 11 इंच ली है, 11 इंच। ठीक है, अब उसके बाद हम इसे दो लेयर में फोल्ड करेंगे। बुकरम को हमें दो लेयर में किया हमने, और उसके बाद यहाँ से हम अभी देखिए, जो हम यहाँ से चौड़ाई लेंगी बॉट नेक की, जैसे हम नॉर्मल अगला 2.5 या 3 इंच का बनाते हैं, लेकिन ये बॉट नेक हमको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, और उसका फ्रंट और बैक सेम करते हैं। तो मैं यहाँ 4.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, और उसके बाद जो हम इसकी गहराई लेंगे, लंबाई गले की, वो हम 3.5 इंच लेंगे। आप इससे ज्यादा या कम भी रख सकती हैं। और ये देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से बोट शेप देंगे। देखिए, हमने इसको इस तरीके से शेप दी। अब उसके बाद यहाँ से हम ऊपर से रख के इंच टेप को यहाँ 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 7.5। और उसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे इतना, और यहाँ से देखिए, इसको हम इस तरीके से शेप बनाते हुए लाएंगे, और इसको हम ऐसे डार्क कर देंगे जो आपको निशान दिखे ऐसे। अब जो हमको मार्जिन देना है वो हमें इसमें 1-1 इंच का देना है। ये पूरे गले में हम 1-1 इंच के निशान लगाएंगे। अभी देखिए, जो मैंने 1-1 इंच के निशान लगाए हैं, इनको हम ऐसे मिलाएंगे एक दूसरे के निशान से। और इसको भी हम ऐसे ही घुमाएंगे, और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए, हमने निशान लगा लिए हैं, अब हम इनकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये बीच की बुकरम निकालेंगे। जैसे हमने निशान लगाए हैं उसी तरीके से हमको इस पे कटिंग करनी है। और ये वाला पीस निकालने के बाद हमको ये ऐसे बोट नेक कट करना है, और जो हमारा ये वाला पैटर्न है, ये एक्स्ट्रा बुकरम निकाल के हम इसको भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, कटने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, और कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। जैसे ये कपड़ा कट किया है, तो हमने कुर्ती पे गला नहीं कट किया है, हमको बुकरम पे रख के सिर्फ बैक गला है जो हमारा, वो हमको इतना ही लेना होगा, 4.5 इंच। जितना हमने फ्रंट का लिया है उतना ही हमें बैक का लेना होगा। अब हम आपको इसे कपड़े पे सिल के बताएंगे। देखिए, हमने गला अपने कुर्ती के कपड़े पर रख लिया है, इस कलर की कुर्ती है, और इसे हम पलट के बनाएंगे। और जैसे हमने 4.5 इंच लिया था, तो हमारा ये 9 इंच का इसमें चौड़ाई आई है, अब इसकी खुल के 9 इंच। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम ये पूरे गले पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने पूरे गले पे सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद जो हमारा ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, ये सबसे पहले हम ये कट कर लेंगे। इसमें से थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखेंगे बस, बाकी का हम पूरा कपड़ा इसमें से कट कर देंगे। ये देखिए, कपड़ा कट करने के बाद जो हमारे कोने हैं यहाँ पे, इन पे हम कट लगाएंगे ऐसे, और फिर इस कपड़े को हम इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इस पे हम ये कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हमें ये सिलाई निकालनी है।
ऐसे हम इसे ये कपड़े पे फोल्ड कर देंगे। चारों तरफ से हम इसी तरीके से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कुर्ती का कपड़ा है, इसके सेंटर में हमने कट लगा लिया है और इसको भी फोल्ड करके हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। और उसके बाद हम इसे कुर्ती के कपड़े के ऊपर रखेंगे, इसे हम उल्टी साइड को रखेंगे और सीधी साइड को हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए ये कट हमारे दोनों आपस में इस तरीके से मिलने चाहिए, जो हमने स्क्रैच का निशान लगाया है यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर इससे मिलना चाहिए। चाहे आप बीच में पिन लगा लें ताकि इधर उधर को ना खिसके गला। और इसके ऊपर हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है बिल्कुल बराबर करके कपड़े को। और बुकरम के ऊपर आप चढ़ा के नहीं लगानी, आप जब बुकरम के ऊपर से नहीं तब तो आप कैसे भी लगा लें, क्योंकि वैसे भी हमको ये पूरी सिलाई निकालनी है, लेकिन यहाँ से आपको बुकरम से थोड़ा हटा के लगानी है सिलाई, मतलब ज्यादा बुकरम के ऊपर चढ़ानी नहीं है सिलाई। यहाँ से निडल को अंदर रहने दें और तब ये फुट उठा के और तब इस तरीके को देखिए इधर को आए, जैसे हमने ये शेप दी है उसी तरीके से, और फिर ऐसे इसको घुमाएं। ऐसे हम ये पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पूरे गले पे सिलाई लगाने के बाद अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और ये जो हमारा कोना है इसके अंदर से कैंची को ऐसे लेके जाना है और इस साइड से भी सेम इसी तरीके से कपड़ा कट करना है। और इसमें पूरे में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, सिलाई से अलग कट लगाने हैं। अभी देखिए हमने इसके ऊपर चारों तरफ कट लगा ली हैं, अब इसको हम सीधी साइड पलट देंगे। और ये देखिए जो इसके कोने हैं किसी भी नुकीली चीज से पेन वगैरह से आप ये अच्छे से दोनों साइड से निकाल लें। ये देखिए गले को हमने सीधा कर लिया है और जो हमारी ये सिलाई दिख रही है अभी आपको, इनको हम बाद में निकाल देंगे और अभी हम यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको थर्माकोल की बॉल बना के लगानी है। तो उसके लिए देखिए हमने ये 1 इंच चौड़े और 1 इंच लंबे पीस कट किए हुए हैं और ये हमने फाइबर रुई ली है। अगर आपके पास फाइबर रुई नहीं तो आप कॉटन का भी इसमें यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो हमारे कपड़े होते हैं एक्स्ट्रा, उनका भी आप छोटी छोटी कटिंग करके उनका भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए हम इसमें से इतनी फाइबर रुई लेंगे और उसको ऐसे बॉल बना लेंगे छोटी सी इस तरीके से। बनाने के बाद और जो हमारा ये कपड़ा है इसके अंदर हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे हाथ से, ठीक है। अब हमको इसी कलर का धागा लेना है और धागे को हम ऐसे पकड़ के और इसको पहले एक बार ऐसे सेट कर देंगे, फिर उसके बाद इसको हम ऐसे कई बार लपेट देंगे ताकि ये खुले ना। इसे हम नीचे तक लाएंगे लपेटते हुए, देखिए इतना। और फिर उसके बाद इसमें हम इस तरीके से फंदा लगा देंगे और धागे को यहाँ से तोड़ देंगे। अभी देखिए इसी तरीके से मैंने ये बहुत सारी बॉल बना के तैयार कर ली हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये बनानी बताई है। अब हम आपको इन्हें लगाना बताएंगे। अभी देखिए जैसे आपको कपड़ा ज्यादा लगे इसमें से, मतलब सिलाई करने में कोई दिक्कत हो तो आप इसमें से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर सकती हैं। मैंने इसमें से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर लिया। हम इसमें से इतना कपड़ा छोड़ देंगे जो कि हमारा इसमें तीरा ज्वाइंट होगा और फिर हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये बॉल्स को हम पूरा दबाएंगे इसके नीचे तरीके से और थोड़ा थोड़ा गैप देके लगाना है हमको ये।
गैप हमारा बराबर होना चाहिए। ऐसे इस कपड़े के ऊपर रख लें गोली को, और कपड़े का ये ध्यान रहे कोई झोल वगैरह ना आए। ऐसे हमें गोली लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए गले को बना के मैंने तैयार कर लिया है, पम पम इसके ऊपर पूरे लगा लिए हैं। और उसके बाद जो हमारा ये बीच का जो हमारा कैप है, देखिए इसमें चाहे तो आप एक डोरी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये बटन लगाऊंगी। बटन लगाने के लिए सबसे पहले हम ये सेंटर से सुई को डालेंगे और इस तरीके से दूसरी साइड भी डाल लेंगे, और बटन को हम इस तरीके से लेंगे। और ऐसे लगा लेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसे लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसमें बटन भी लगा लिया है। अब इसका जो हमारा बैक पार्ट है उसको जॉइंट करके इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए गला बन के तैयार हो चुका है, हमने बीच में बटन लगा के इसको तैयार कर लिया है। इस तरीके से इसकी शेप आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।